वेलकम टू रामनी। नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष नेगी आज आपको अपने गांव रामनी की सैर पर ले चलता हूं। रामनी समुद्र तल से 2700 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक सुंदर और रमणीय गांव है। रमणीय होने के कारण ही इसका नाम रामनी पड़ा। यह गांव नंदाघोटी और त्रिशूल पर्वतों की तलहटी में स्थित है। प्रसिद्ध लॉर्ड कर्जन ट्रेल, जिसे आप कुहारीपास भी कहते हैं, के साथ साथ सप्तकुंड और देवांगन की ट्रैकिंग भी यहीं से शुरू होती है। इस गांव के ऊपर मखमली घास के बहुत सारे बुग्याल हैं, जिन्हें निलाड़ी, सुनपाटी, फ्यूड़ा, नरेला और बालपाटा नाम दिया गया है। यह गांव एक पौराणिक गांव है। इस गांव के ज़्यादातर मकान आज भी पठाल के बने हुए हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इस गांव ने अपनी सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत को संभाल के रखा है। घूमने के लिए और छुट्टियाँ बिताने के लिए यह गाँव एक स्वर्ग है। आप जब कभी मन हो, यह गांव घाट से रोड के द्वारा एक्सेसिबल है। आप यहां पर गाड़ी लेकर के अपनी जा सकते हो। हर साल होने वाली नंदा देवी लोक जात यात्रा, जिसका समापन अलग अलग स्थानों पर होता है, उसका भी एक मुख्य पड़ाव रामनी गांव है। बंड और नंदा दशुल्य की लोक जात यात्रा रामनी के ऊपर स्थित नरेला और बालपाटक के बुग्यालों में समाप्त होती है। नंदा सप्तमी के अवसर पर इन दोनों ही जगहों पर बहुत सारी मात्रा में भीड़ उमड़ के आती है। सर्दियों में अत्यधिक ठंड के कारण इस गांव के लोग 6 महीने का प्रवास यहां से 5 किलोमीटर नीचे गुआड़ में करते हैं। कृषि और पशुपालन यहां के लोगों की आजीविका का मुख्य स्रोत है। रामनी गांव में नंदा सप्तमी के अवसर पर हर साल मेला आयोजित किया जाता है। इस मेले में सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ साथ खेलकूद प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जाती हैं। गांव-गांव के बहुत सारे लोग इस मेले में शामिल होते हैं। रामनी गांव की प्राकृतिक विरासत बहुत ही सुंदर है। इस गांव को देखकर ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड कर्जन भी यहां 3-4 दिनों तक अपने आप को रोकने से मना नहीं कर पाया था। इस गांव में ब्रिटिश समय के इस बनाए हुए 3 बंगले मौजूद हैं। उनमें से एक तो नष्ट हो गया है, लेकिन अन्य 2 अभी जीर्ण शीर्ण हालत में बचे हुए हैं। प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर इस गांव में शिव के मंदिरों का एक समूह है, जिसे रामेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है। इस गांव में घूमने का सबसे बेहतरीन समय मई और जून है। उस समय जब सब लोग कपड़े खोलकर घूम रहे होते हैं और गर्मी में तप रहे होते हैं, तब भी यहाँ के लोग रजाई में दुबके पड़े होते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और ये गांव अच्छा लगा हो, तो यहाँ घूमने ज़रूर आना। और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।